बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन में जमीनों को लेकर किसानों और पुलिस के बीच हुआ हंगामा। किसान महिपाल सिंह से जब पूछा गया कि जिन लोगों को आवास विकास ने घर मुहैया कराए हैं उनको यहां क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है, इस पर किसान महिपाल सिंह ने जवाब दिया कि हम उनको इसलिए नहीं रहने दे रहे क्योंकि हमारा कब्जा हट जाएगा और हम जब तक अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे जब तक मुआवजे से ऊपर के मिलने वाले पैसे नहीं मिलेंगे। उनका कहना है कि बढ़ावा प्रति के 396 रुपए हमारे पास लिखित में है। देखिए महिपाल से मिली जानकारी। क्या नाम आपका? महिपाल जी, ये बताओ कि क्या परेशानी है? आज जो है किसान और आवास विकास दोनों आमने सामने आ गए, पुलिस आमने सामने, क्या वजह है? वजह ये है भैया, हमारा एग्रीमेंट हुआ 2003 से, उसमें सर्किल रेट हुआ, सर्किल रेट में हमारे यहाँ का सर्किल 1000 रुपये का था, घोषित रूप 600 रुपये था और कमालपुर का 800 रुपये, तो उसमें ये लिखा हुआ था अगर इस योजना में किसी का प्रतिक्रिया बढ़ता है तो समझौता कर्ता का बढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने काजीपुर के और सराय काजी के किसानों ने समझौता करा, उसके बाद जब घोसीपुर का कोई किसान नहीं आया तो इन्होंने घोसीपुर के जो है 996 रुपये कर दिए, कमालपुर के 1096 कर दिए, तो 296 उनके बढ़ाए, 396 इनके बढ़ाए हैं जी। तो उसमें जो हमने लिखा था कि अगर समझो किसी का प्रतिकर बढ़ता है तो समझौता कर्ता का बढ़ाया जाएगा, हम उस मांग को लेकर हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। हम 12 से लगे हैं धरना प्रदर्शन करने और अब तो हमें 16 महीने हो गया धरना करते हुए, आज तक इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, लखनऊ तक हमारी बात पहुँच गई है, मंत्री जी से भी हमारी वार्ता हो चुकी है, मंत्री जी वे कह रहे हैं हाँ आजकल में हो जाएगा, उनके आश्वासन पर हमने कोई उग्र रूप धारण नहीं करा और ना ही आज करा, हमने शांति में धरना दे रहे हैं और शांति से ही अपना काम करवाने की कोशिश में है। लेकिन ये लोग, इनके पास हम कम से कम 100 बार चले गए, 100 बार कोई वार्ता का निर्णय नहीं हुआ हमारा, इन्होंने ये कहा हाँ चल रही है बातचीत, हाँ चल रही है। एक MB कौशिक थे इनके अधिकारी, वो यहाँ 200 आदमी था किसान, उस टाइम अपनी औलाद की कसम खा के गए, मैं मेरे 2 बच्चे हैं 2 लड़की उनकी कसम खाता हूँ मैं तुम्हारा 1 महीने के अंदर तुम्हारा फैसला कर दूँगा। आप ये बताओ जो मुआवजा आप लोगों को अभी तक मिला पूरा कि नहीं? वो 1000 का हमें पूरा मिल चुका, ठीक है, लेकिन उसके बाद आरोप इनकी तरफ से जो आरोप है वो ये है कि उसके बावजूद भी मतलब धरना वहाँ पे चल रहा है किसानों का और जो यहाँ पे प्लॉट बन चुके हैं उनको चाबियां तो वितरित हो गई है लेकिन यहाँ पे जो लोग रहने आ रहे हैं उनके साथ में मारपीट हो गई है, ऐसा आरोप उनका लग रहा है। ये गलत है बिल्कुल। अभी के लिए इतना ही, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड मसूरी मेरठ।